चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस का प्रकोप अब दुनिया भर में बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस से यात्रियों के डर की वजह से सऊदी अरब ने यहां पहुंचे उमराह करने के लिए मक्का मदीना आने वाले तीर्थ यात्रियों के आने पर रोक लगा दी। सभी एयरलाइनों ने उमराह यात्रियों को लेकर सऊदी अरब जाने वाली अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। सऊदी अरब सरकार ने अस्थायी तौर पर उमराह पर्यटन और विजिट वीजा पर आने वाली सभी यात्रियों के सऊदी अरब में प्रवेश पर रोक लगा दी है। दुनिया भर से लगभग 70 लाख मुसलमान हर साल उमराह करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं। सऊदी अरब सरकार के इस आदेश से हज और उमराह का काम करने वाले ट्रैवलिंग एजेंट परेशान हैं और उनका कारोबार चौपट हो गया है। ऐसा कल रात तक की फ्लाइट गई है सऊदी एयरलाइंस से, और जो 12 बजे से पहले पैसेंजर पहुंचे हैं उन सबको सऊदी अरेबिया ने एंट्री दी है, लेकिन 12 बजे के बाद जो हमारी कलकत्ता की और दूसरी जगह से फ्लाइट गई है उन्हें वापस भेज दिया गया है। सऊदी एयरलाइंस ने गाइडलाइन दी है कि अगले नए गाइडलाइन तक जो है सिर्फ बिजनेस वीज़ा होल्डर, एकामा होल्डर और जो सऊदी नेशनल्स हैं वो सिर्फ ट्रैवल कर सकते हैं, बाकी उमरा वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और विजिट वीज़ा जो है वो किंगडम में एंट्री नहीं कर सकते। कल जैसा कि एक इंडोनेशिया से फ्लाइट पहुंची जद्दा एयरपोर्ट पर, उसमें 18 लोग जो है इन्फेक्टेड पाए गए कोरोना वायरस से। जैसा कि चाइना में कोरोना वायरस था और धीरे धीरे वो और जगह बढ़ रहा है, कोरिया या जापान, इटली, ताइवान, सऊदी में भी अब इसमें इन्फेक्टेड पाए गए 6 जो है वो सऊदी औरतें भी इन्फेक्टेड पाई गई हैं कोरोना वायरस से। ये बताइए, जो सऊदी अरब ने रोक लगाई है वो सिर्फ हाजियों पर लगाई है या बाकी और लोगों के आने पर भी लोग लगाई है, क्योंकि ये तो एक धार्मिक यात्रा होती है और हजारों लोग रोज जाते हैं, तो इससे कितना बड़ा असर पड़ेगा? इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि 7 करोड़ लोग जो है वो सऊदी में रोज हर साल आते हैं, और जिसमें इंडिया से सिर्फ 29,000 लोग जो है वो हर रोज जाते हैं, जिसमें जो है दिल्ली से, हैदराबाद से, बेंगलोर से, मुंबई से, कलकत्ता से, श्रीनगर से, तो फ़र्क तो बहुत बड़ा पड़ेगा इससे जो है। और जो इन्होंने रोक लगाई है वो टूरिस्ट वीज़ा होल्डर पर लगाई है, विजिट वीज़ा जो लोग वहाँ जॉब करते हैं, अपने घर वालों को बुलाते हैं, उन पर भी रोक लगाई है, और उमरा पिलग्रिम्स भी लगा दी, जबकि आगे एक बहुत बड़ा सीज़न रखा है रमज़ान का और हज का, आगे कुछ नहीं पता कि ये कब खुलेंगे वीज़ा। हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और हमारे तो जो है वो आगे की सारी फ्लाइट छुटी हुई है, वीजा की भी अब एक्सपायरी जो है सऊदी गवर्नमेंट ने 1 रजब से जो है वो 15 दिन की एक्सपायरी कर दी, जो कि पहले 30 दिन की होती थी। तो अगर 15-20 दिन बाद ये सऊदी एयरलाइंस कहती है हम टिकट तो रीशेड्यूल कर देंगे आपको, लेकिन होटल हमारे पैसे वापस देने को मना कर रहे हैं, प्लस वीज़ा हमारी 15 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगी, और अगर 20 दिन बाद ये दोबारा खोलते हैं तो हमें फिर 15,000 रुपये की नई वीज़ा लगवानी पड़ेगी। पहले ऐसा कभी हुआ है कि उमरा रोका गया हो किसी बीमारी की वजह से? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उमरा रोका गया हो, बस एक बार कंस्ट्रक्शन की वजह से 2015 में वीज़ा 10 दिन के लिए उमरा रोका गया था। पूरे दुनिया के नहीं है, इसमें जो इन्होंने गाइडलाइन दी है उसमें सिर्फ इन्होंने 13 मुल्क दिए हैं, जिसमें चाइना है, इटली है, ताइवान है, कोरिया है, जापान है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, लेबनान है, मिस्र है, यहाँ और ईरान, यहाँ के लोग नहीं जा सकते, बाकी और कंट्रीज के लोग उमरा करने जा सकते हैं।